ट्यूपल फंक्शन। ट्यूपल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, सबसे पहले तो सीएमपी है कंपेयर के लिए, दोनों ट्यूपल सेम है तो आपका जीरो आ जाएगा। अगर आपका वन आता है इसका मतलब पहला ट्यूपल बड़ा है दूसरा ट्यूपल छोटा है, माइनस वन आया इसका मतलब पहला ट्यूपल छोटा है दूसरा ट्यूपल बड़ा है। आप देखिए इसका कंपैरिजन सिंटेक्स कैसे होगा, सीएमपी लिखना है ये दो टी वन टी टू इसमें ट्यूपल्स होने चाहिए, ये आपको जीरो देगा वन देगा माइनस वन देगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो हम एग्जांपल में देख रहे हैं। टी वन में आपने दिया 10, 20, 30, टी टू में आपने दिया 100, 200, 300 और टी थ्री में दिया 10, 20, 30। आपने टी वन को टी टू से पहले मैं आपको टी वन से टी थ्री कंपेयर कराता हूं, टी वन से टी थ्री कंपेयर कराया, टी वन और टी थ्री बिल्कुल सेम है, दोनों कॉन्टेंट सेम है ना, ये जीरो देगा। अब आप टी टू को टी वन से कंपेयर कराइए, टी टू से टी वन कंपेयर कराइए, देखिए ये वैल्यू 110 से बड़ी है, 220 से बड़ी है, 330 से बड़ी है, तो आपको आएगा 1। यहीं पर अगर आप टी वन को टी टू से कंपेयर कराते हैं, ये छोटा है ये बड़ा है, इसकी वैल्यू इससे छोटी है, 100 से छोटा है तो माइनस 1 आएगा। एलियन फंक्शन, ये आपको जितने भी इस ट्यूपल में एलिमेंट्स होंगे या आइटम्स होंगे वो आपको दिखा देगा, जैसे एलियन करके आप ट्यूपल डालेंगे तो वो नंबर ऑफ आइटम्स दिखा देगा, जैसे आपने टी टू किया इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, अगर आप लेंथ निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे मैक्स जो आपके पास आइटम्स है उसमें मैक्सिमम वैल्यू दिखा देगा ये, जैसे आपने मैक्स यहां पर टी डाल दिया तो टी में क्या है 100 से लेकर 500 तक मैक्सिमम क्या है 500, मैक्स टी करेंगे तो 500 आ जाएगा। मिन, मिन मतलब उन वैल्यू में से मिनिमम दिखा देगा, इसका सिंटेक्स है मिन टी, ट्यूपल यहां पर डालेंगे, जैसे ये ट्यूपल है इसमें ये टी डाल दीजिए आपका मिनिमम वैल्यू क्या है 100 दिखा देगा ये। ट्यूपल ये क्या करेगा, जैसे हम ये ऑलरेडी फंक्शन देख चुके हैं, ये फंक्शन एक एम्प्टी ट्यूपल को क्रिएट करने के काम में आता है, जैसे आपने कहा टी इज इक्वल टू ट्यूपल तो ये एक एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट कर देगा, जैसे आपने ट्यूपल का टी प्रिंट कराएंगे टी को तो एम्प्टी ट्यूपल क्रिएट होगा। कुछ शॉर्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको एक प्रोग्राम लिखना है, इनपुट करना है 5 सब्जेक्ट नेम्स, इसको ट्यूपल में डालना है और डिस्प्ले करना है ट्यूपल इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे, दिखाना है स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप ट्यूपल क्रिएट करेंगे, ये टी ट्यूपल बन गया, आप बोलेंगे कि सारे सब्जेक्ट डालिए एक के बाद एक, आप क्या करेंगे एक लूप में लेंगे क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है तो लूप में लेनी पड़ेगी, फॉर आई इन रेंज 5, आपने कहा 5 सब्जेक्ट तो 5 कर सकते हैं, या आप यूजर से बोल सकते हैं कि पहले तो नंबर बता दीजिए कितने सब्जेक्ट डालना चाहते हैं, एन में ले लें और एन को यहां डाल दें, क्योंकि इन्होंने 5 कहा है तो हम डायरेक्ट 5 यहां लिख सकते हैं। अब ये लूप चलेगा, हर बार एक सब्जेक्ट एंटर होगा, सब्जेक्ट क्योंकि शब्दों में हो सकता है इसलिए हमने रॉ इनपुट में लिया, हर बार जो एम्प्टी ट्यूपल बनाया था उसमें टी प्लस ए कॉमा कर देंगे, तो ये जो भी ए में आता रहेगा वो इसमें जुड़ता रहेगा, आउटपुट कराएंगे प्रिंट टी, आपको वैल्यू मिल जाएगी जो भी आपने डाला है। इसका मतलब आप बोलेंगे एंटल और सब्जेक्ट वन आफ्टर द अनदर, इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस ये सारे अपेंड हो गए एम्प्टी में जो आपने खाली बनाई थी टी वाली, और उसके बाद आप जब आउटपुट करेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक प्रोग्राम लिखना है, इनपुट करना है कोई दो ट्यूपल्स और इंटरचेंज करना है ट्यूपल वैल्यूज को, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्यूपल चाहिए आपको, इनपुट एनी टू ट्यूपल्स और इंटरचेंज करना है ट्यूपल वैल्यू को, तो आप टी वन बनाएंगे एक, बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन फर्स्ट ट्यूपल टी वन, उसके बाद आप क्या करेंगे यहां बाद में टी टू बनाएंगे उसमें भी यही काम करेंगे, लेकिन जब आप कहेंगे कि इसमें वैल्यू डालनी है तो फॉर का लूप लगाना पड़ेगा, फॉर का लूप लगाएंगे, जितने भी आपने बोले कि इतने हमको नंबर डालने हैं वो एन यहां चला जाएगा, आई जीरो से रेंज उस रेंज तक आप एंटर करा देंगे एलिमेंट, और वो ये जो ट्यूपल बनाया है उसमें ए एक इस तरीके से आप एड कराते चले जाएंगे। एक नया ट्यूपल बनाएंगे टी टू, उसमें भी बोलेंगे कि टोटल नंबर बताइए, एम में ले लेंगे, एम तक लूप को चलाएंगे और वो एम वैल्यू हम इस ट्यूपल में अपेंड कर देंगे जैसे वैल्यू आती रहेगी, पहला ट्यूपल टी वन सेकेंड ट्यूपल टी टू। अब अगर इसको हमको स्वैप करना है इंटरचेंज करना है तो यहाँ टी वन टी टू लिखना है और इधर टी टू टी वन लिखना है, टी टू टी वन में जाएगा टी वन टी टू में जाएगा, तो आफ्टर स्वैपिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्यूपल टी वन होगा जो टी टू को दिखा रहा होगा, जो टी टू होगा वो टी वन को दिखा रहा होगा, पहला वैल्यू डालिए 3 डालनी है 100, 200, 300 आ जाएगा, अगले में 4 डालनी है 100, 10, 20, 30, 40, पहला ट्यूपल ये है दूसरा ट्यूपल ये है, स्वैपिंग के बाद क्या आएगा ये यहां आ जाएगा, दूसरा वाला पहले में आ जाएगा और पहले वाला दूसरे में चला जाएगा। एक और प्रोग्राम है,
आपको एक प्रोग्राम लिखना है, इनपुट करना है एन नंबर, स्टोर करना है इसके ट्यूपल में और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है ट्यूपल। एक ट्यूपल खाली बनाएंगे, पूछेंगे कि कितने नंबर आपको डालने हैं, वो एन में ले लेंगे। फिर क्योंकि एक से ज्यादा नंबर है तो फॉर का लूप चलाना पड़ेगा, एन यहां पर लेंगे, इस लूप से एंटर एलिमेंट करवाएंगे और इस ट्यूपल में ऐड करते चले जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि मैक्सिमम सीधा मैक्स टी, इस टी को पास कर देंगे मैक्स टी, मिनिमम में मिन टी पास कर देंगे, मैक्सिमम ये आपको प्रिंट होकर दिखाई देगा और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। आप तीन वैल्यू डालना चाहते हैं 40, 50, 10, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 50 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है। आपको आउटपुट इस कोड का बताना है, मैक्सिमम टी कौन सा होगा, 100 दिख रहा है, मिनिमम टी 2 दिख रहा है, 10 और 2 आ जाएगा। आपको आउटपुट दिखाना है इस कोड का, आपने ट्यूपल बनाया, इस ट्यूपल में आपने पाइथन ऐड किया, ठीक। अगर आप प्रिंट टी कराएंगे तो आपको पाइथन दिखाई देगा विद अ कॉमा। अब लेंथ आप जानना चाहते हैं इसका, तो लेंथ अगर इसकी जानना चाहें एलियन ऑफ टी, एक ही कंटेंट है इसमें, देखिए एक ही तो है सिंगल कोड में पाइथन पूरा, तो 1 आ जाएगा। टी1 करेंगे इसमें 1, 2, 3 एलिमेंट्स है, इसका लेंथ प्रिंट करेंगे तो 3 आएगा।